अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं डायमंड हाउस। दोस्तों, आज हम आपको जो है डायमंड हाउस के मुतालिक कुछ मालूमात देंगे। तो आज जो है हम अपने घर के लिए जो है एक पंखा जो है बहुत ज़्यादा पुराना हुआ है और ख़राब भी हो चुका है, तो हम इसको रिपेयर करके दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह रिपेयर करना है। तो चलिए दिखाते हैं पंखे की पहले हालत कैसी है और रिपेयर होने के बाद कैसी होगी। तो आप देख सकते हैं ये क्योंकि इसका एक पर जो है ये टूटा हुआ है, इसकी हालत भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है। ये सारा जो है बिल्कुल मिट्टी में पड़ा हुआ है और ये भी देख सकते हैं कितना जो है ये ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये देख सकते हैं इसमें मिट्टी। तो ये पंखा बहुत पुराना है, ये मेरे अबू ने लिया था तो उस टाइम से ये चल रहा है, बट इसको मैं जो है आज रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने जो है अभी कुछ सामान लिया है, इसको बिल्कुल इंशाल्लाह नया करके दिखाएंगे और साथ में ये भी दिखाते हैं आपको कि ये जो है ये पर लिए हैं साथ में और इसकी जाली भी है साथ में, अभी लेके आया हूँ यहाँ। और इसको अभी बिल्कुल है ये इसकी तार पड़ी हुई है और इसको मैं जो है अभी सफाई करूँगा और इसकी जो है कुछ चीज़ें मैं आपको बना के दिखाऊँगा। अब इसमें जो है पहले इसके मैं जो है स्क्रू खोल लूँ। स्क्रू खोलने के बाद क्योंकि इसको मुकम्मल सफाई करना है तो मैं इसमें दिखाता हूँ आपको साथ में, और सारी चीज़ इसकी खोलनी है और खोलने के बाद इसको दोबारा फिटिंग करना है क्योंकि हम अभी कोई चीज़ नई नहीं ले रहे। और जितनी भी चीज़ें आपको बताई थी कि टिप्स देंगे कि आप जो है बग़ैर कुछ ज़्यादा पैसे खर्च किए या इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किए आप घर को खूबसूरत बना सकते हैं, तो आपकी जो पुराना और वो चीज़ें जो आपकी फालतू में पड़ी हुई हैं घर की, आप उनको जो है यूज़ में ला के अपने घर को बेहतर बना सकते हैं। तो आपने जो थोड़ा थोड़ा खर्च करना है हर चीज़ पे और आपका घर इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएगा कि आप उसमें दोबारा से रिहाइश कर सकते हैं पुराने घर में और बआसानी। ये देखें, इसके मैंने जो है ये पर टूटे हुए थे, चार थे, तीन हो चुके हैं, एक टूट गया है और इसकी सफाई भी करनी है और काफ़ी चीज़ें हैं इसकी जो हमने सेट करनी है। इसके स्क्रू थोड़े जो है गुम हो चुके हैं और कुछ मिल गए हैं, इसमें नए स्क्रू हम लगा देंगे, उसकी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी अब सफाई भी करनी है और सारा कुछ सेट करना है। मैं इसको पहले झाड़ लेता हूँ इसे तरीके से। आप देख सकते हैं कि ये जो है किस कंडीशन में पड़ा हुआ है, ये इंतहाई बोसीदा हालत में पंखा है, बट चलने के लायक है, चलेगा इंशाल्लाह, इसको हम बनाएंगे। तो साथ साथ वीडियो हम इसलिए बनाते रहते हैं ताकि आप लोगों को जो है मालूमात दे सकें कि आप भी अगर कोई काम करना चाहें, देखें कितना मिट्टी है इसमें, धूल मिट्टी में जो पड़ा हुआ था और एक दो साल इसको हमने यूज़ नहीं किया, तकरीबन दो साल इसको यूज़ नहीं किया। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है 10-15 साल चला है। बस इसमें जो है कैपेसिटर लगाना है, कैपेसिटर लगाने के बाद इसमें इसके पर वगैरह लगाने हैं और ये हो जाएगा हमारा तैयार। ये सरफ वाला पानी है, हम इसको भिगो के इसमें बिल्कुल इसको साफ करेंगे और इसको ज़्यादा जो है पानी नहीं लगने देना ताकि अंदर मोटर के अंदर ना चला जाए और उसमें जलने का डर ना हो। इसको मुकम्मल साफ़ करना है और इसी कंडीशन बाद में भी दिखाएंगे कि किस तरह का है। इसको मैं जो है अभी मुकम्मल इंशाल्लाह साफ़ करूँगा और इसी को जो है नए पंखे की हालत में लेके आऊँगा और आप देख के जाएंगे कि ये किस तरह जो है बिल्कुल इंशाल्लाह 10-15 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। अभी यहीं पे वीडियो जो है हम जो है थोड़ा सा ब्रेक करेंगे क्योंकि इसी जो है मुकम्मल जो है सफाई करनी है। तो चलें दोबारा आपसे फिर आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं।